नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद संदीप का एपिसोड 6। तो दोस्तों आज है 23 जनवरी 2021 और मैं हाजिर हूं आपके लिए आज के दिन के क्रिकेट से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों आईपीएल 2021 के ऑक्शन से जुड़ी हुई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से जुड़ी हुई और इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टूर से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही बड़ी खबरें हैं मेरे पास। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और दोस्तों अगर आपको हमारी ये मेहनत जरा से भी अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों अब ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की पहली खबर टीम इंडिया के लिए न्यू फिटनेस टेस्ट से निकल करके आ रही है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कितने सारे हमारे प्लेयर इंजर्ड हुए थे ये हम सब जानते हैं और दोस्तों उसके बाद बीसीसीआई ने एक नया कदम उठाया है और उन्होंने मार्च में जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला जाएगा तब सभी इंडियन प्लेयर्स को एक न्यू फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। दोस्तों अभी फिलहाल में सभी प्लेयर्स को यार सिर्फ एक ही फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है जो कि है योयो टेस्ट, लेकिन मार्च से योयो टेस्ट के साथ साथ सभी खिलाड़ियों को एंड्योरेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा। दोस्तों एंड्योरेंस टेस्ट में सभी प्लेयर्स को रनिंग करनी पड़ेगी लेकिन वो रनिंग सबके लिए अलग अलग होगी। दोस्तों सभी फास्ट बॉलर को 8 मिनट 15 सेकंड में 2 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी पड़ेगी और विकेट कीपर, स्पिन बॉलर और सभी बैट्समैन को सेम वही 2 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट और 30 सेकंड में खत्म करनी पड़ेगी। और दोस्तों इससे प्लेयर्स की बॉडी के जो मसल है वो अच्छे से खुल जाएंगे और इंजरी के चांसेस तब थोड़े कम रहेंगे। दोस्तों आज की दूसरी खबर बीबीएल से निकल करके आ रही है। तो दोस्तों बीबीएल में अभी तक का सबसे बड़ा टोटल कल वाले मैच मतलब कि मैच नंबर 50 में हमको देखने को मिल गया है। दोस्तों कल वाला मैच जो कि सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के बीच में खेला जा रहा था तब उस मैच में थंडर्स ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर टोटल 232 रन बना दिए थे और इस स्कोर में थंडर्स की तरफ से सबसे ज्यादा एलेक्स हेल ने रन बनाए थे। दोस्तों उस मैच में एलेक्स हेल ने 110 रन की पारी खेली थी और यार अब बीबीएल अपने आखिरी स्टेज पर है और हमको अब ऐसे ही मैचेस काफी सारे देखने को मिला करेंगे। और यार हर मैच की स्टैट्स और प्रेडिक्शन मैं आपको अपने दूसरे चैनल पे दे देता हूं। दोस्तों दूसरे चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों ही जगह पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। दोस्तों दूसरे चैनल पे हमारे पूरे 20,000 मेंबर की फैमिली है तो यार अगर आप चाहो तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों आज की तीसरी खबर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टूर से निकल करके आ रही है। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि बीसीसीआई 50% क्राउड को इजाजत दे सकती है मैच देखने के लिए, लेकिन दोस्तों पहले दो टेस्ट मैचेस के लिए यार क्राउड को अनुमति नहीं दी जा रही है और इस चीज की जानकारी खुद तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने दी है, लेकिन दोस्तों सिर्फ पहले ही दो टेस्ट मैचेस के लिए टीएमसीए ने ये स्टेप उठाया है और उसके बाद बाकी मैचेस में हो सकता है कि फैंस को मैच देखने की इजाजत मिल जाए। दोस्तों आज की चौथी खबर रवि शास्त्री की तरफ से निकल करके आ रही है। तो दोस्तों टीम इंडिया के बॉलिंग कोच भरत अरुण ने अश्विन के यूट्यूब चैनल पर अभी हाल फिलहाल में एक खुलासा किया है और उन्होंने ये बताया कि इंडियन टीम की फैमिली को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी थी और तब इसके संदर्भ में बॉलिंग कोच भरत अरुण ने ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया निकलने से 48 घंटे पहले ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि इंडियन टीम अपनी फैमिली को ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके आ सकती है और फिर इसके बाद इंडिया, दुबई और ऑस्ट्रेलिया में इसके ऊपर काफी सारे डिसीजन लिए गए और काफी सारी बातचीत हुई, लेकिन 7 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि अपनी फैमिली के साथ यार वहां पे जाना चाहते थे और फिर रवि शास्त्री ने जूम पर एक मीटिंग बुलवाई और कहा कि अगर फैमिली को ऑस्ट्रेलियन बोर्ड अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए तो इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी खेलने के लिए। और यार फिर क्या था, ऑस्ट्रेलिया ने बात भी मान ली और फिर सभी फैमिली वालों को भी अलाउ कर दिया। और यार फिर रवि शास्त्री जी ने एक और बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि 40 सालों से मैं ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहा हूं और मुझे अच्छे से पता है कि इनके साथ कैसे बातचीत करनी है। और दोस्तों आज की पांचवी खबर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से निकल करके आ रही है। तो दोस्तों बड़ौदा की टीम ने दीपक हुड्डा को पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया है और यार इसके संदर्भ में खुद बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि इनडिसिप्लिन के चलते दीपक हुड्डा को इस पूरे सीजन से हम निलंबित कर रहे हैं। और दोस्तों मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत में ही हुड्डा ने बड़ौदा की टीम की तरफ से अपना नाम वापस ले लिया था और वापस कैंप को छोड़ के चले गए थे। और दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को छोड़ने के पीछे उनका जो रीजन था वो सिर्फ एक ही था और वो था कुणाल पांड्या के साथ उनकी छोटी सी नोकझोंक जो कि बाद में जाके काफी बड़ी हुई और इसी के वजह से दीपक हुड्डा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के कैंप को मैचेस से पहले ही छोड़ दिया था और अब उनके ऊपर बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने ये कदम उठाया है। और दोस्तों आज की छठी खबर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टूर से निकल करके आ रही है। तो दोस्तों जॉस बटलर को टेस्ट टीम में जगह मिली है, लेकिन दोस्तों जॉस बटलर पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद ही इस टूर को बीच में छोड़ करके चले जाएंगे और यार ऐसा यार इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के रूल के वजह से होगा। दोस्तों जब बायो बबल वाला रूल आया उसके कुछ समय बाद ही ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये न्यू रूल बनाया था कि अगर कोई प्लेयर कंटिन्यू 17 टेस्ट मैचेस खेल लेता है तो उसको रेस्ट दिया जाएगा। और यार बटलर इंडिया के खिलाफ जब पहला टेस्ट मैच खेल लेंगे तब उनके वो 17 मैचेस पूरे हो जाएंगे और वो वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। और यार ये रूल आपको कैसा लगा और इस रूल के बारे में क्या आपको पहले पता था आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और क्या बीसीसीआई को ये रूल बनाना चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर
बताना। वैसे दोस्तों मेरे को यार ये रूल काफी ठीक ठाक लगा, लेकिन हाँ दोस्तों पूरे सीरीज के लिए किसी प्लेयर को रेस्ट दे देना ये अच्छा नहीं है। सिर्फ हाँ अगर दो या तीन मैचेस के लिए भी किसी आप प्लेयर को रेस्ट दे रहे हो, क्योंकि यार पूरे 17 मैचेस के बाद अगर किसी प्लेयर को रेस्ट मिल रहा है तो यार 2 से 3 मैचेस का रेस्ट काफी ठीक ठाक रहेगा। दोस्तों आज की 7वीं खबर आईपीएल 2021 के ऑक्शन से निकल करके आ रही है। तो दोस्तों आईपीएल 2021 के ऑक्शन को 18 फरवरी को कराया जा सकता है, और यार ये बीसीसीआई के स्टाफ ने अपने हाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया है। और यार ये बात सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताई थी, और आज भी सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करने वाला हमारा ही चैनल है। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में कहा था कि ऑक्शन 18 या 19 फरवरी के आसपास को हो सकता है, जबकि दोस्तों सारे 15 से 16 फेब की बात बता रहे थे। और दोस्तों आज की आखिरी और 8वीं खबर एलेक्स कैरी की तरफ से निकल करके आ रही है। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स ने एलेक्स कैरी को अपनी टीम में से रिलीज कर दिया था, और यार जैसे ही डीसी ने उनको रिलीज किया उसके अगले ही मैच में उन्होंने बीबीएल में एक शानदार शतक भी मार दिया। और यार जब शतक के बाद उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है जब डीसी ने आपको रिलीज कर दिया है, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ है कि डीसी ने उन्हें रिलीज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया ही नहीं था जिसके दम पर कोई भी टीम उनको अपनी टीम में रखती। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि वो इस सीजन आईपीएल में और भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे, तो अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी टीम उनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए चलती है। तो दोस्तों आज इतनी ही अपडेट्स थी जो कि मैंने आपको दे दी है। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये मेहनत जरा से भी अच्छी लगती हो तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।